सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज वाटर कंप्रेसर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप लोग बाइक को धुलाई करते हैं, वॉश करते हैं। तो ये देखिए इसका जो प्रॉब्लम, ये देखिए यहाँ पे मेरा जो सेटिंग सेटअप किया गया है, इसमें इस तरह का जो पानी इसमें निकल जाता है इसमें, ओके, इसमें भी कट गया है, ये दाग हो गया है, आप देख पा रहे हैं। और जो कंप्रेसर का जो पानी का जो स्पीड, वो भी नहीं हो रहा है, स्पीड एकदम कम हो गया है। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो हम अब वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को दिखाऊंगा, और वीडियो को पूरा देखिए, ये हेल्पफुल वीडियो है, ओके। तो चलिए, तो मैंने इसको खोला है, ये देखिए यहाँ पे जो जो इसका जो एक तरह के सील कहते हो, आप कह सकते हो वॉइल सील, ये रही है, ये देखिए यहाँ पे ये तीन जगह पे रहता है, ओके। तो ये हम इसमें नया लगाएंगे, इसके कारण जो आपका पानी का जो स्पीड कम हो जाता है, लीक करता है, पानी लीक करके परेशान करते हैं आपको। तो मैं भी बहुत परेशान में था, तो आज इसको सेटिंग करने वाला हूँ। तो जितने भी सारे इसके जो वॉशर सेट है, ये हम लगाएंगे। ये देखिए इसका जो पूरा किट इसमें रहता है, इसका प्राइस 500 से 600 रुपीस है। इसमें क्या क्या रहता है, यहाँ पे भी जो जो है, ये भी यहाँ में रहता है पूरा सेट, ये पूरा किट कह सकते हैं आप। ये देखिए ये सब नया है, ये देख सकते हैं। और ये आयरन पड़ के इस तरह का हो गया, ये भी ख़राब नहीं हुआ है, इसको आप चाहे तो वॉश कर सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो मेरा जो प्रॉब्लम पानी में स्पीड कम हो रहा था, तो इसके कारण नहीं, इस वॉशर और यहाँ का जो हाइड्रोलिक में कट हो गया है, आप देख सकते हैं कट कैसा, ये देखिए इस तरह का जो सीधा लाइन बन चुका है। तो इसको अभी मैं चेंज नहीं करूँगा, इसमें ये देखिए 320 जो सीरीज पेपर आते हैं, इसके मदद से हम अच्छी तरह से इस तरह से वो जो काट हो रहा था, वो काट को इससे घिस के ठीक करूँगा, ये सभी को ठीक करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली यहाँ पे जो काट हो गया था, तो सीरीज पेपर के माध्यम से मैं इसको सही कर दिया, अच्छी तरह से इसको रगड़ के, ओके। और ये जो पुराना वाला जो ऑयल सील था, पुराना वाला ऑयल सील, इसमें इस तरह से ये देखिए इस तरह का लूज हो गया, लूज होने से इसका जो कंप्रेशन बन नहीं पा रहा है, और इसलिए पानी का स्पीड भी कम हो रहा है, और दिक्कत भी हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा, ओके। और ये देखिए नया जो इसका जो वायरिंग है, वो देखिए कितना टाइट है, तो इसमें कंप्रेसर बन पाएगा, उसकी वजह से आपका पानी का स्पीड भी अच्छा होगा। ये देखिए कितना टाइट है ये, ओके। तो फ्रेंड्स, ये चलिए ये कैसे लगाता है ये वायरिंग, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये नया वाला वायरिंग है, इसमें पहले ये तीन जो ए सेम है, टोटल 9 पीस है इसमें, ये देखिए तीन ए तीन, एक में इधर जाएगा, एक तीन इधर, एक तीन इधर। तो ये देखिए मैं तीन तीन करके इसका अलग कर ले रहा हूँ, और उसके अंदर में फर्स्ट ये वाला दूंगा, ये अलग है, ये तीन ही रहता है, मगर ये तीनों में एक एक करके रहता है, मगर ये जो तीन है, ये तीन वॉइल सील आपका तीनों में जाएगा। तो ये इस तरह से पहले तो ये तीनों में एक डालेगा, ओके।
ये तीन मेज दे दिया और इसके अंदर दे दिया, हो गया। और एक तीन तीन सेटिंग है, देखिए तीन, और इसमें जाएगा ए वाला एक, ये चला जाएगा। और एक तीन में और एक चला गया। उसके बाद देखिए ये भी तीनों में एक एक करके रहेगा। ये वाला जो खाँच है आप देख पा रहे हैं, ये अंदर जाएगा। इसमें बाद में हम ग्रीस करेंगे। यहाँ पे जो छेद रहे थे इसके अंदर से ये जो ग्रीस देने के जो आपको टाइट करते हैं तब इसके छेद के माध्यम से ये ऑयल सेल में आते हैं। ओके, तो ये भी दे दिया, बाद में ग्रीस कर दूंगा। उसके बाद ये जो छेद ये इसमें लगा देंगे। इसीलिए अटैच कर लेंस, तो इसे खूब ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपको, थोड़ा सा टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने लगा दिया, अब चलिए हाइड्रोलिक में लगाते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक लॉक होता है जो मेनली थ्रेड को लॉक करने के लिए होता है, और यहाँ पे 10 नंबर का जो बोल्ट वो लगा देता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा ग्रीस दे देता हूँ। अब इसमें देखिए ये वाला जो वाल्व है, इस वाल्व को दे देता हूँ। उसके बाद
तो यहाँ पे दो बोल्ट है और यहाँ पे दो बोल्ट है, वो मैंने लगा दिया। और यहाँ पे भी एक बोल्ट और यहाँ पे भी एक बोल्ट लगा दिया। अब चलिए इस मशीन को स्टार्ट करके देखता हूँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए मशीन को स्टार्ट करके देखते हूँ। देखिए स्पीड, अब देख पा रहे स्पीड कितने अच्छा हो गया, पहले इस तरह का स्पीड नहीं था, अब देखिए इसका स्पीड कितना ज़्यादा है। ओके तो फ्रेंड इसी तरह से आप कंप्रेशन मशीन का स्पीड कम हो पानी का तो इस तरह से सही कर सकते हैं। ओके आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।